हेलो हाय स्टूडेंट्स, तो आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि आपका जो ये न्यू ईयर नया से भरा हो और आपके जो जितने भी सपने वो साकार हों इस वर्ष में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाद्वीप। तो आज जो हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में जो हमारा यूराल एवं काकेशस पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप का पृथक करता है, ठीक है, यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में जो है 46 देश हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, इस महाद्वीप में जो है 46 देश है। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, ठीक है। इसमें सबसे जो नगरीकृत जो है ये विश्व का सबसे अधिक जो नगरीकृत महाद्वीप है, ठीक है। जो है हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, यानी यहाँ प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को जो है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। बोलने का मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो है ये बड़ा है और बाकी जितने भी और महाद्वीप हैं उनसे छोटा है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में जो है उत्तर में जो है उत्तरी ध्रुव सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में जो है अंडमान सागर से घिरा है। ये बात याद रखनी है कि उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में जो अंडमान सागर है, ठीक है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है एल्बर्ज है जो रूस में स्थित है। कौन है? एल्बर्ज, जिसकी जो हाइट है 5642 मीटर है, ठीक है। ये भी याद रखना है, एल्बर्ज की हाइट कितनी? 5642 मीटर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है, इसकी ये जो है 3687 किलोमीटर है। यूरोप महाद्वीप जो है इसका सबसे बड़ा नगर जो है लंदन है, जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये याद रखना है कि जो हमारा लंदन जो है सबसे बड़ा नगर है यूरोप महाद्वीप का, ये किस नदी के तट पर बसा है? जो टेम्स नदी के तट पर बसा है, ठीक है। अब यूरोप में जो है फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सी नदी के तट पर बसा है, किसके? जो आप याद कर आपको आ सकता है कि पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये जो है सी नदी के तट पर बसा हुआ है। यह विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, इस बहुत ही अच्छा सुंदर है, कि अच्छा देखने में अच्छा है और ये नगर है सबसे सुंदर नगर माना जाता है विश्व में। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है, पेरिस। यहाँ जो ये फिल्म इंडस्ट्री का भी इसमें जो फिल्म की शूटिंग वगैरह भी बहुत अधिक हो। जो यूरोप का यूक्रेन जो है गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। जो ये हमारा यूरोप का यूक्रेन जहाँ पे अभी पीछे जैसे जो लड़ाई चली हुई थी, ठीक है, ये गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार है, जो हम विश्व का अन्न भंडार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे रोटी की डलिया भी कहते हैं, तो ये आपने याद रखना कि रोटी की डलिया किसे कहते हैं, तो आपने याद रखना यूरोप के यूक्रेन को कहते हैं, ठीक है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है, ठीक है। यूरोप का जो है इटली जो है यूरोप महाद्वीप में जो इटली जो देश है विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो है ओरिएंट रेल मार्ग है, ठीक है। कौन सा? ये याद रखना, यूरोप का जो सबसे महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग है ओरिएंट रेल मार्ग है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। बात करूंगा मैं यूरोप में जो है सैंपियंस राज विश्व में सबसे अधिक जो है यूरोप महाद्वीप में जो है सैंपियंस राज विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में तैयार की जाती है। यूरोप महाद्वीप का जो ये फ्रांस देश जो है यहाँ पे जो है सैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक तैयार की जाती है, ठीक है। फ्रांस को सूरा एवं सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, फ्रांस देश को जो हम सूरा एवं सुंदरियों का देश भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है कई बार, ठीक है। तो ये भी याद रखना, यूरोप का जो फिनलैंड जो है इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप का जो फिनलैंड देश जो है इसे जो है झीलों का महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। इटली को यूरोप है क्योंकि ये भारत की तरह जो है एक कृषि प्रधान देश है, तभी जो है इसको इटली को जो है यूरोप का भारत है कहते हैं, ठीक है। यूलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में जो है इसे खेल का मैदान भी कहते हैं, ठीक है।
विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। जो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग जो है वह जो है लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है, ये याद रखना आपने, ठीक है। पो नदी को जो है ये जो है यूरोप महाद्वीप में जो है ये पो नदी बहती है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी फ्रांस की सी नदी जो है इंग्लिश चैनल पर गिरती है, तो ये भी याद रखना कि पता आपको। फ्रांस को जो है भूमि व जलवायु की दृष्टि से जो हम इसे लघु यूरोप कहा जाता है। जो फ्रांस जो है ये यूरोप महाद्वीप में है, तो ये फ्रांस को जो हम भूमि व जलवायु की दृष्टि से जो हम इसे लघु यूरोप भी कहते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। नॉर्वे का जो स्थित है ये जो है स्वेलवार्ड जो है द्वीप है, ठीक है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व का जो है इसमें यहाँ पे जो है बीज भंडार बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना नॉर्वे के स्वेलवार्ड द्वीप को, इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। वो जो यूरोप महाद्वीप का जो मास्को जो देश है इसको जो है पांच सागरों का पतन कहा जाता है। मास्को जो देश है इसको जो पांच सागरों का पतन कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला सागर जो है कैस्पियन सागर पहला जो है कैस्पियन सागर, दूसरा है हमारा काला सागर, अगला है हमारा बाल्टिक सागर, खेद सागर और लास्ट डोगा झील। लोडोगा झील ये जो है मास्को के पांच सागरों का पतन कहा जाता है। ये जो है मुख्य सागर है वो, ठीक है। एंटवर्प जो बेल्जियम में है इसे विश्व का हीरा व्यापार का केंद्र कहा जाता है। जो सबसे बड़ा केंद्र है हीरे का, सबसे बड़ा जो केंद्र है विश्व का बेल्जियम में जो है एंटवर्प इसे कहा जाता है, ठीक है। एंटवर्प जो है बेरिलियम का हीरे का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज जो हमने यूरोप महाद्वीप के बारे में विस्तार पूर्वक जाना, तो आज फिर से आपको दोबारा नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो इस नए वर्ष के साथ साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।